Okay, so good morning everyone. Today we are going to see our last topic of complex number for JEE mains, that is cube roots of unity and nth roots of unity. In last class we have seen all the theories and all the formula, all the concept behind this, that is cube root of unity and nth root of unity, right? This already we have discussed, right? So I'm assuming that you have written all these things in your formula book in a very well manner, right? And you remember all these things so that we can start our discussion of M7.4, few important questions, right? In class exercise and homework. Now Samay is asking, sir, what is the portion for MT? Okay, see here, students always understand this. What is the difference? What is your portion for MT for maths? This is your MT2. So exactly your chapters are all right in your MT1. Already you have given M1 to M3. So in MT2, your syllabus is M4 to M7 plus M1 to M3. Okay, see, your MTs will be always cumulative, right? Usme always aapka syllabus increase hota jayega. ओके okay, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट पार्ट का टेस्ट होगा उसके बाद जो आपका MT3 होगा. ओके नो, M11 इज नॉट देयर इन द MT2. ओके M11 आपका डायरेक्ट MT4 या MT5 में आएगा, राइट? MT4 में आएगा M11. तो यहाँ आपका शायद M8 टू M10 होगा. ओके तो उसमें आगे के भी सारे आ जाएंगे M1 टू M7. ओके सो पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स, MT में आपका ये सिलेबस भी रहेगा और प्रीवियस भी रहेगा. ओके बट जो आपका M4 टू M7 है उसका पोर्शन ज्यादा रहेगा. ओके यू कैन एक्सपेक्ट लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मींस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. ओके एंड लेस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस M1 टू M3. ओके सो दिस इज योर MT, मीनिंग ऑफ MT, मेजर टेस्ट. ओके तो नेक्स्ट चैप्टर्स आपके जो भी M4 टू M7 उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और M1 टू M3 से कम क्वेश्चंस आएंगे. Okay, so just a minute. Okay, shall we start our class now? Okay, तो इसके बेस पे से हम M7 का शुरू कर रहे हैं. ओके MT का सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, राइट? MT2 के आपके दो वर्जन होंगे. MT2 की डेट्स भी आपको सेशन सर ने ग्रुप में अच्छे से बताई दी है, राइट? आई थिंक नेक्स्ट संडे आपका MT2 है. ओके तो ये संडे हमारी ये एग्जाम हो जाएगी M7. और लास्ट संडे आपकी M6 की एग्जाम कैसे गई थी? ओ आर्यन, आपको मुझे आपको पेपर भेजना था, वो रह ही गया. ओके आई विल सेंड यू टुडे. ओके हाउ वाज योर एग्जाम M6? अच्छी गई? ओके ग्रेट. ओके ग्रेट, उसका भी हम करेंगे, वो सारा डिस्कशन नेक्स्ट वीक में होगा. तो ये संडे आपके चैप्टर 7 की एग्जाम रख दें जेई, राइट? M7.4 तक आएगा उसमें, टेल मी. और उसके बोर्ड्स वाले एग्जाम फ्राइडे या सैटरडे सेट करते हैं. जस्ट गिव मी सम रिस्पांस. ओके जेई मेंस और उसका लास्ट टॉपिक एडवांस वाला है. ओके ओके सो बोलो कब कब एग्जाम दोगे? सैटरडे एंड संडे रखे कि फ्राइडे एंड संडे?
Saturday, Sunday. Okay, great. So many students are, all students are telling Saturday only. Friday is packed. हाँ मैं तो भूल गया. Friday तो maths की आपके बहुत सारे class हैं. ठीक. तीन class तो वही हो जाते हैं. Agree. चलो Saturday and Sunday, right? तो Sunday आपका रख देते हैं M7 JE level. Okay, जिसमें आपका M7.4 तक आएगा. M7.5 आपका advanced है, जो advanced class में कराऊंगा. Now Saturday. ये week में हमारा ये chapter अब खत्म हो जाएगा. Okay. शायद ये आज ही खत्म हो जाए. हाँ आपकी जेई मेंस वाले टेस्ट में एडवांस टॉपिक आ रहे हैं क्या? जो M6 आपने मेंस वाला टेस्ट दिया उसमें एडवांस वाला टॉपिक था क्या? ओके 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 3 to 4 क्वेश्चन. ओके हाँ तो फ्राइडे पहले वो खत्म कर देंगे. तो फ्राइडे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा, फिर उसके जो क्वेश्चन डिस्कशन करने होंगे वो हम नेक्स्ट फ्राइडे या तब कर सकते हैं. ओके मतलब टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन भी डिस्कस हो ही जाएंगे कुछ जो आपके डाउट होंगे, क्योंकि M6 के होमवर्क के क्वेश्चन में भी डाउट होंगे ना. जो एडवांस का टॉपिक है हमारा आई थिंक M6.3 और 6.4. Okay, so see here everyone. So let us start this now. So to correct questions, tell me. Please give me some response. Okay. There were the normal question, but there was such that they could be solved by normal method. Okay. Normal methods of answer. Okay. Exactly. Maybe your paper be dekha nahi. We'll see. We'll sab dekhenge. Okay. Chalo. So yahan pe shuru karte hain. Let us start now. In class exercise level 1 question number 1 if 1 omega omega square are cube roots of unity, tell me if 1 omega omega square are cube roots of unity, can I write 1 plus omega square equal to 0? Okay, next. Then find real part of 1 plus real part of omega plus real part of omega square and imaginary part of 1 plus imaginary part of omega plus imaginary part of omega square. What will be your answer? Tell me. I think this is your pre-reading exercise. Wait. Ye aapka pre-reading exercise hai. Wait. Yes. This is not in-class exercise level 1. My mistake. Pre-reading exercise. ओके जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं. यस सो अगर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके जिसको आंसर 0 है सो डेफिनेटली इसका रियल पार्ट का आप सम करोगे तो वो 0 ही होगा. 1 माइनस हाफ इमेजिनरी पार्ट प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 आई वो भी आपका 0 हो जाएगा. ओके सो हियर रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ ओमेगा plus real part of omega square is equal to 0 and imaginary part of 1 plus imaginary part of omega plus imaginary part of omega square is equal to 0. Next, second question. Solve x square plus x plus 1 equal to 0. Kya hoga? Anyone? Right. Yahi se maine aapko omega aur omega square dikhaya tha. So this is your derivation of omega and omega square or not? Okay, x plus 1 equal to 0 ke roots. Please give me some response. So here, okay. So discriminant equal to b square minus 4ac. Please give me some response, right? Ye to hai na? 1 square minus 4, 1 into 1. Okay, 1 minus 4 minus 3. So discriminant minus 3 ho jayega. और आप बोल रहे हो वो क्लियर पूछने के लिए मैं पोल बना दूं, राइट? आई कैन मेक पोल बट उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि वो साइट पर अलग से जाके बनाना पड़ता है. तो आई थिंक आपके नेक्स्ट क्लास से पहले बनाने का ट्राई करूंगा. सो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस 3 उसके बाद आप आगे क्या कर सकते हो? सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a. डिस्क्रिमिनेंट एंड डेल्टा बोथ आर सेम.
it is equal to minus 1 plus or minus root 3 square root of minus 1 is I divided by 2 into 1, 2. So this is minus 1 plus or minus root 3 I by 2. Is it clear? 1 omega or 1 omega square. Question number 3. Solve x square minus x plus 1 equal to 0. Okay, the same equation is. Okay. Yes. Just plus b की जगह आपका क्या आ गया है? मतलब b 1 की जगह minus 1 है. Answer भी आपको same मिलेगा. See, discriminant तो same ही आएगा क्योंकि उसमें आपका b square होता है. B square minus 4 है. See, minus 1 square is 1. Minus 4, 1 into 1. 1 minus 4 will give you minus 3. So discriminant आपका minus 3 है. Okay, your discriminant is minus 3. Next. तो यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई टू ए विच इज इक्वल टू वन प्लस और माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू. ओके, माइनस वन की जगह ये प्लस वन आ जाएगा. दैट्स इट. इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो लेट अस गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. देन we can also do by quadratic equation. It will have roots as negative roots of previous. Yes. Okay. Yes, x ko minus x se replace karke. Yes, Ovesh. Good observation. Fourth, if omega is complex cube root of unity, simplify omega to the power 5 and 1 upon omega to the power 4. Wo acche se padha nahi ja raha, but it is omega to the power 5 and 1 upon omega to the power 4. So, ye to aasan hai. Can you do this? Omega to the power 5, 1 upon omega to the power 4. Now, how can you simplify omega to the power 5, students? It is omega cube into omega square. Omega cube is 1. Omega square is minus 1. Oh no, wait, omega ko I mean confused. Okay, so it is your omega square only. Okay. Is it clear? Yaad hai? Nahi to wo wali method. Okay. Okay, Abhiram, I'll see after the class. Definitely, I'll see. Thank you for that. So, 1 upon omega to the power 4, wo aapka ho jayega 1 upon omega cube into omega. Omega cube is 1, so this is 1 upon omega only. So this fourth question is 1 upon omega. And what is 1 upon omega? Kisi ko yaad hai? Right. Jo maine aapko bataya tha, omega or omega square property. Omega conjugate is equal to omega square conjugate is equal to omega. Yes. Right, and 1 upon omega is omega square क्योंकि आप 1 को omega cube लिख सकते हो. omega cube by omega equal to omega square. Very good. Right. तो मैंने आपको ऐसे याद रखने के लिए कहा था omega cube equal to 1. omega cube को आप लिख सकते हो omega into omega square equal to 1. So यहाँ से omega आपका हो जाएगा 1 upon omega square and omega square हो जाएगा 1 upon omega. So both are conjugate of each other as well as both are reciprocal of each other. Okay. Is it clear everyone? तो ये अलग अलग मेथड से कर सकते हो. प्री रीडिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. इनिशियली जो आप फॉर्मूला देख के सारे कंसेप्ट पढ़ के जो आप क्वेश्चन शुरू करते हो तो प्री रीडिंग एक्सरसाइज इज लाइक स्टार्टर. अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो दिस इज योर स्टार्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. If omega is complex cube root of unity, then prove that 1 upon omega plus 1 upon omega square equal to minus 1. उसी तरीके से होगा? Tell me. What can you write 1 upon omega? For question number 5, if I write 1 upon omega plus 1 upon omega square, तो 1 upon omega आपका क्या हो जाएगा? Okay, voice थोड़ा low हो गया. Wait. So 1 upon omega is omega square. 1 upon omega square is omega. Omega square plus omega. Now we know that 1 plus omega square equal to 0. So omega plus omega square is equal to minus 1. Minus 1. Okay, आप चैट बॉक्स में ये सब सिंबल कहाँ से ला रहे हो? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये सब चैट बॉक्स में कहाँ से आ रहा है? Okay, it is good. जैसे यहाँ तो मैं सिर्फ टाइप ही कर सकता हूँ. Right, let us start in-class exercise now. तो कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं
जो वर्ड के लिए होते हैं, ओके यस, वो सारे इसमें भी जूम पे भी चल रहे हैं। अच्छा ओके गुड, सो लेट अस स्टार्ट योर इन क्लास एक्सरसाइज। सी हियर क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6। ओके लेवल 1। हाईएस्ट करिश्मा, सी हियर 1 upon omega and 1 upon omega square, right? Already I have taught you that 1 upon omega is omega square and 1 upon omega square is omega. Can I write 1 upon omega is omega square and 1 upon omega square is omega? So what will be your value of omega plus omega square? Minus one or not? Okay. Question 1. If omega is a complex cube root of unity, then 2 plus pi omega plus 2 omega square whole to the power 6. Now who will tell me? Right, this is also easy question. 2 plus pi omega plus 2 omega square whole to the power 6. But its value aap kaise find karoge? So pehle inside bracket ke kya value find kar sakte ho? 2 plus pi omega plus 2 omega square hai. ओके माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर क्यूब। ओके लेट अस चेक। सो सी सबसे पहले क्या मैं ये 2 कॉमन निकाल सकता हूँ राइट फ्रॉम 2 एंड 2 प्लस मींस 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। सो हियर इफ आई टेक दिस 2 कॉमन सो आई कैन हैव हियर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल टू द पावर 6। ओके यस। So what can I write 1 plus omega square? We know that 1 plus omega square is equal to 0. So if 1 plus omega square equal to 0, 1 plus omega square equal to minus omega. 2 times minus omega plus 5 times omega whole to the power 6. 5 omega minus 2 omega, this is your 3 omega whole to the power 6. Which is equal to 3 to the power 6 omega to the power 6. Okay. Now omega cube is 1. So omega to the power 6 is 1 whole square, which will give you 1 only. Okay, now what is 3 to the power 6? Or you can write 3 square 9 cube. Right, 9 cube is your 729. 9 9 is 81, 81 into 9 is 729. So your answer is 729. Everyone got this? Now let us see question number 2. If omega is complex cube root of unity, right? And Akshaya, you got the recordings? Right, aapko jo recording chahiye thi wo mil gayi. Exactly wo sara editing maine kiya tha shayad Sunday raat ko. Okay. Question 2, if omega is complex cube root of unity, then 1 plus omega square whole cube. Okay, now. So first, how we can find this? Tell me. 1 plus omega square equal to 0. So 1 plus omega square equal to minus omega. Okay, so this is minus omega cube. Minus cube, minus 1 cube is minus 1 only into omega cube. Omega cube is 1. So our answer should be minus 1. Is it clear? Please give me some response. Yes, Jitendra. I will send you the link. Okay. Third.
Find the roots of x to the power 8 minus 1 equal to 0 and plot them on the argon plane. Okay, तो अब यहाँ पे आपको कौन सा concept use करना पड़ेगा? Nth root of unity or not? X to the power 8 minus 1 equal to 0. So tell me how we can find this. Okay, nth root of unity आप कैसे find करते थे? याद करो. फिर आपको उसे argon plane पे भी plot करना है. Okay. Yes. Octagon. Agree. So x to the power 8 is equal to 1. 1 को आप लिखते थे e to the power i 2 pi k. Isn't it? फिर आपका 8 वहां पे चला जाएगा और अगर आपको x to the power n के रूट्स याद हैं, so your roots of x to the power n is equal to 1r, इसके रूट्स आपको मिलेंगे x is equal to e to the power i 2 pi k by n, where n is equal to 0 to k minus 1, isn't it? क्योंकि k रूट्स आपको मिलने चाहिए ना. तो यहाँ पे सेम x आपका हो जाएगा e to the power i 2 pi k by 8, where k is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नहीं, n आपका 0 से शुरू होता है ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे एक एक कम लेते हैं. सॉरी, मैंने k लिख दिया. हाँ, यहाँ पे k है ना, सॉरी गलती कर दी. k आपका, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद ओके. k आपका 0 से स्टार्ट होके n माइनस 1 तक जाएगा. ओके, यस, वो थोड़ा लिखने में इधर उधर हो गया. के जीरो से एन माइनस वन, और वो आपका जीरो से शुरू होता है. ओके, क्योंकि जीरो लोगे तो, क्योंकि एक आपका फिक्स है ना ऑलवेज, ये एक वन तो आएगा ही नहीं, तो जीरो पे मिलेगा ना. तो अब सारी वैल्यूज रखो. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई 2 पाई इंटू 0, ई टू द पावर 0, देन ई टू द पावर आई 2 पाई बाई 8. ओके, 2 pi by 8 मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? pi by 4 or not? नहीं तो चलो पहले ऐसे ही लिखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे. नेक्स्ट e to the power i 2 3 जा 6 pi by 8, e to the power i 4 2 जा 8 pi by 8, e to the power i 5 2 जा 10 pi by 8, e to the power i 6 2 जा 12 pi by 8 and 7 2 जा 14. So e to the power i 14 pi by 8. Next. So therefore x is equal to e to the power 0 1, e to the power i pi by 4, 2 4 is 8, e to the power i 3 2 is 6, 4 2 is 8, e to the power i into pi, e to the power i pi pi by 4, 5 2 is 10, 4 to the 8, e to the power i, 6 pi by 4, I can say 3 pi by 2, isn't it? Okay, pi by 4, 3 pi by 4, okay, this is pi, 5 pi by 4, 3 pi by 2, and this is your final e to the power i, 7 pi by 4. Is it clear? X is equal to 1. Yes. अब एंगल्स तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. राइट, इसको आप कैसे प्लॉट कर सकते हो? आपको ये पता है कि nth root आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन देते हैं. सो दिस विल गिव यू रेगुलर ऑक्टागॉन और नॉट? टेल मी, एक ऑक्टागॉन मिलेगा आपको. सबकी लेंथ आपकी वन यूनिट है, जस्ट एंगल अलग अलग होंगे. सी हियर, आपको बस उसे आर्गन प्लेन पे प्लॉट करना है. लेट अस ट्राई टू प्लॉट देम. So x, wait. Yes, always. Suppose this is your unit circle. Okay,
ना अब आपको एट रूट्स फाइंड करने हैं। हाउ यू कैन डू, एक अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो तो ई टू द पावर आई थीटा, आर ई टू द पावर आई थीटा को आप कैसे प्लॉट कर सकते हो? दिस इज योर आर एंड दिस इज योर थीटा, दैट्स इट। ओके, तो आर सब में वन है, रेडियस वन है, थीटा पहले वाले के लिए आपका थीटा जीरो है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पाई बाई फोर, यहाँ मिड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन पाई, ये आपका हो जाएगा पाई। ओके, आफ्टर दैट इट इज पाई पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर विल कम हियर, देन थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू इज हियर। ओके, एंड आफ्टर दैट सेवन पाई बाई फोर, दिस इज योर सेवन पाई बाई फोर। आई थिंक पाई बाई टू नहीं आया, देयर शुड बी पाई बाई टू एज वेल, कहीं कुछ रह गया। टू पाई बाई फोर इज दिस, राइट, जीरो। इफ आई मल्टीप्लाई वन, सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, यहाँ पे सेवन ही हो रहे हैं, एक रह गया है। आई थिंक टू को मल्टीप्लाई करना रह गया, राइट, थ्री वाला लिख दिया। तो ई टू द पावर आई फोर पाई बाई एट, विच विल गिव यू पाई बाई टू, ई टू द पावर आई पाई बाई टू। सो ई टू द पावर आई पाई बाई टू आपका होगा ये। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे आप सारी चीजें लिख सकते हो, और उसको लिखना कैसे मैंने सिखाया था, जेड वन जेड टू जेड थ्री, राइट, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव जेड सिक्स जेड सेवन जेड एट। इसमें कुछ चीजें तो आपके ऑलरेडी क्लियर हैं, ओके, कि कुछ नंबर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कि ये नंबर आपका हो जाएगा वन, जेड थ्री आपका हो जाएगा आई, ठीक है, जेड फाइव आपका हो जाएगा माइनस वन, जेड सेवन हो जाएगा आपका माइनस आई। आप इसको ऑक्टागॉन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट आई थिंक वो बहुत टाइम चला जाएगा। राइट, इस तरीके से आप ऑक्टागॉन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो कर लोगे खुद से, क्योंकि यहाँ एक एक ऐसा करके ड्रॉ करने में काफी टाइम चला जाएगा। आगे बढ़े। ओके, लाइक दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑक्टागॉन। ओके, यस यस, अदर फोर आर आई, मतलब वन अपॉन रूट टू प्लस और माइनस आई बाई रूट टू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, तो इस तरीके से आप लिखोगे तो भी चलेगा, फिर आप उसको थीटा वाले फॉर्म में लिख रहे हो तो भी चलेगा, राइट, थीटा वाले फॉर्म में भी लिखना आपको आता ही है, कॉस फाइव बाई फोर प्लस आई साइन फाइव बाई फोर। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ओमेगा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इफ ओमेगा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके, दैट मीन्स वो, मतलब वो तो पता ही, ओमेगा वही है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा टू द पावर 1999, ओमेगा टू द पावर -998, आई गेस। ओके, चलो तो इन दोनों का फाइंड करते हैं। फिर आपको दिया है वन प्लस आई रूट थ्री डिवाइड बाई टू टू द पावर थ्री एन प्लस टू, ओके, वो भी हम करेंगे। एंड फाइनली वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू वन प्लस ओमेगा टू द पावर 32। ओके, सो फर्स्ट फर्स्ट आपको पूछ रहे हैं ओमेगा टू द पावर 1999। चलो ये तो मैंने आपको समझाया था कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे आई की पावर फाइंड करते थे। ओके, सो आपको पता ही है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज वन, राइट, ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, तो थ्री से डिवाइड करके आपकी क्या बच रही है रिमाइंडर, वो आपको फाइंड करना है। सो 1999 डिवाइड बाई थ्री, राइट, थ्री सिक्स जा 18, अगेन थ्री सिक्स जा 18 एंड थ्री सिक्स जा 18, व्हाट इज योर रिमाइंडर, वन ओनली। सो हियर 1999 इज इक्वल टू थ्री टाइम्स 666 प्लस वन, विच इज इक्वल टू थ्री एन प्लस वन, विच इज इक्वल टू थ्री एन प्लस वन, दिस इज योर एन। सो देयरफॉर ओमेगा टू द पावर 1999 इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर वन। एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओमेगा वन क्लियर हुआ? ओके, नाउ सेकंड इज ओमेगा टू द पावर -998।
तो -998 को क्या पहले मैं +998 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ओके कैसे? सो ओमेगा टू द पावर -998 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 998। ओके यस, अब 998 को डिवाइड बाय 3 करो, नहीं क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 998 बाई 3। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 2 इज योर रिमाइंडर। ओके इजंट इट, 2 रिमाइंडर होगा। सो दिस इज योर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। यस यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा, तो नीचे ओमेगा तो डिपार्ट 999 हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा, सो यू कैन डायरेक्टली गेट ओमेगा। ओके आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यू। सो क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट, उसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एक पूरी सीरीज आई गेस, नहीं उससे पहले आपको सेकेंड क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ओ, ये क्या है जितेंद्र? राइट, ऐसा कुछ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। -1 + i√3/2 to the power 3n + 2। चलो हाउ वी कैन डू दिस, राइट, फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट व्हाट इज -1 + i√3/2, ये क्या है आपका ओमेगा, राइट, इज योर ओमेगा और नॉट? ओके याद करो हमने कैसे किया था, ये 1 फिर यहाँ पे ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, ये ओमेगा स्क्वायर, जो दोनों माइनस है वो ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस और प्लस है वो ओमेगा, आप कोई भी ले सकते हो बट जनरली ऐसे डिफाइन है, तो एक बार वो ऐसे डिफाइन हुआ है तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके सो ओमेगा टू द पावर 3n + 2, सो दो रिमाइंडर बच रहा है, व्हाट शुड बी इट्स आंसर, ओमेगा स्क्वायर और नॉट? नहीं क्या आप ओमेगा टू द पावर 3n * ओमेगा स्क्वायर करके लिख सकते हैं, इज इट क्लियर? तो ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है, इसको आइडेंटिफाई आपको करना है, दिस इज योर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ऑलवेज कैसे याद रखें, जस्ट फैन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, दिस इज 1 तो पहले आएगा ओमेगा एंड देन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ऐसा है जिसमें दोनों माइनस आएंगे, माइनस हाफ -√3/2i, जनरली स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर नेगेटिव होता है, ऐसा करके याद रखो, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है बट याद रखने के लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, सो दोनों माइनस है वो आपका ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस एक पॉजिटिव है तो वो आपका ओमेगा, -√3/2i, इज इट क्लियर? ये बस याद रखने के लिए। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड आपको एक पूरी सीरीज दी गई थी जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, सो दिस इज 1 + ω 1 + ω² 1 + ω² 4। हाँ वही करिश्मा, आई रिपीट दैट, 1 + ω² 8 1 + ω² 16 एंड 1 + ω² 32, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। यस करिश्मा अंडरस्टैंड हियर, ओमेगा टू द पावर 3n + 2, सी दे आर आस्किंग अस वैल्यू ऑफ दिस, -1 + i√3 होल टू द पावर 3n + 2। नाउ -1 + i√3/2 इसे आप क्या लिख सकते हो, -1 + √3/2i, इजंट इट योर ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा और नॉट, राइट, -1 + √3/2i। हाँ यस जितेंद्र वो आप अप्लाई कर सकते हैं, सो ओमेगा टू द पावर 3n + 2, ओके सो ओमेगा टू द पावर 3n, ये आपका हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 3n + 2, एंड इफ इट इज ओमेगा टू द पावर 3n + 2 हम इसे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने समझा था, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और 2 रिमाइंडर बच रहा है तो आंसर इज ओमेगा स्क्वायर, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ओमेगा, एंड कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ओमेगा क्यूब। क्या एक और स्टेप मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, सी यू कैन डू दिस लाइक दिस एज वेल, ये आपका हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 3n * ω² ओमेगा टू द पावर 3n = 1 * ω² योर आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। ओके इज इट क्लियर नाउ? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा टू द पावर फोर, वन प्लस ओमेगा टू द पावर एट, वन प्लस ओमेगा टू द पावर सिक्सटीन, वन प्लस ओमेगा टू द पावर 32। चलो इसे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो सारी पावर्स देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, सारी पावर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, इन तीनों में से किसी भी एक में, आया ना? ओके, सो वन प्लस ओमेगा इज एज इट इज, वन प्लस ओमेगा एज इट इज, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, वन प्लस ओमेगा टू द पावर फोर, ओमेगा टू द पावर फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा, वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा टू द पावर एट, तो ओमेगा टू द पावर एट तो आपका ओमेगा टू द पावर फोर होल स्क्वायर है, ओमेगा टू द पावर फोर ओमेगा है, तो डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो, या थ्री टू जै सिक्स प्लस टू, जिस भी वे में आप जाना चाहो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ सिक्सटीन, सो ओमेगा टू द पावर सिक्सटीन, अब थ्री से डिवाइड करो तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस वन, सो दिस इज ओमेगा, रिमाइंडर इज वन, एंड वन प्लस ओमेगा टू द पावर 32, चलो 32 को 3 से डिवाइड करो, सो 3 टेन्स आर 30 प्लस 2, विच इज योर ओमेगा स्क्वायर। सो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इज इट क्लियर? क्या पहले मैं इसे ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर थ्री। चलो अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो तीन बार रिपीट हो रहा है। ओके यस, सो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई राइट अबाउट वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड वॉट आई कैन राइट अबाउट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, सो वन प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा होल क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज वन, वन क्यूब इज वन, ओके एवरीवन गॉट दिस नाउ, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट, आई होप ये पता चल गया आपको। ओके, सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर, मीन्स और थर्ड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस, ये सारे रिलेशंस हमें प्रूव करने हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओके ओके, जस्ट टू मिनट्स स्टूडेंट्स, टू मिनट्स, गिव मी टू मिनट्स, थैंक यू। Now we need to prove this question 5 and 6. Right. Let me check if I can copy paste this question here. But for that I need to prop only this. Okay, let me copy paste this. Okay. Now prove the following relations. So first relation is a square plus ab plus b square equal to a minus b omega, a minus b omega square. Okay, okay Abhiram. Okay, ये formula आप याद भी रख सकते हो, right? वो भी हम पूरा देखेंगे. Let us see this. चलो कैसे प्रूफ करें, tell me. LHS से RHS जाना बेटर है या RHS टू LHS? डेफिनेटली RHS टू LHS, isn't it? So for first question, our RHS is A minus B omega, A minus B omega square is equal to so this will give you A square minus, or no, we need to simplify this, so a square minus ab omega square minus ba omega
माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब. कैन आई टेक ओमेगा क्यूब एज वन? ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस टू. वेट वेट, सो इफ आई टेक माइनस ए बी कॉमन इट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकॉज ओमेगा क्यूब इज वन. Now what about omega plus omega square? Since 1 plus omega square equal to 0, omega plus omega square equal to minus 1. So a square minus ab into minus 1 plus b square, because value of this is minus 1, is equal to a square plus ab plus b square, which is equal to LHS. Is it clear? So a square plus ab plus b square, a minus b omega square. In the end, I will show you how you can remember all this formula as well. ये सारी formula आपको याद रखनी है, okay? But कैसे मैं बताऊँगा? Relax. तो वो काम आएगा आपको, okay? Second, a square minus ab plus b square. ये आपको prove करना है. ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. सो सिमिलरली जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या वैसा ही यहां पे करेंगे, हो जाएगा. कैन यू ट्राई दिस फ्रॉम होम? योर आर एच एस इज ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू a square plus ab omega square plus ba or ab omega plus b square omega cube. Omega cube is equal to 1. So a square plus ab omega square plus omega, this is b square, and omega plus omega square is minus 1. So a square minus ab plus b square. LHS. Is it clear? Third, a square plus b square equal to a plus b omega, a plus b omega square. So our LHS is now a plus b omega, a plus b omega square. Tell me how we can proceed here. Oh, sorry, this is our RHS only. My mistake. चलो ये प्रूव करने के लिए इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कहीं. ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओमेगा एंड ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. चलो ये किसकी फॉर्मूला है? Right. This is formula of a plus b a square minus ab plus b square. कहीं देखा देखा लग रहा है ये formula? Yes. A cube minus or sorry a cube plus b cube. LHS. So a cube plus b cube equal to a plus b a square minus ab plus b square. And finally fourth, a cube minus b cube is similar to that. वो भी आप घर से ट्राई कर सकते हो, बट देख ही लो यहाँ पे. आर एच एस इज इक्वल टू ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर. सो रिसेंटली वी हैव सीन ए माइनस बी omega into a minus b omega square is a square minus ab plus b square. A square plus ab plus b square, not sorry plus. So this is your formula of a cube minus b cube, which is equal to LHS. Okay. तो ये चार आपके प्रूफ हो गए. अब आपको इसको हाँ याद कैसे रखना है वो समझो. Okay. तो याद रखने के लिए ओके पहले आप जनरल रूल ये समझो
अगर आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन है, ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या रखे थे आपने? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहां से हमने इसके रूट्स क्या निकाले थे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो वो रूट्स हैं। अगर उसके रूट्स वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हो एज अ फैक्टर? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, आया ना? ओके, अगर ये रूट्स हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स, देन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आर फैक्टर्स और नॉट? ओके, सो हियर कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एज एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर? ओके, बस वही चीज आपको ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में लिखनी है। राइट, इफ आई राइट सेम थिंग्स इन फॉर्म ऑफ ए क्यूब एंड बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एज इट इज। तो जैसे इसके रूट्स थे, समझना, इसके रूट्स आपको क्या मिल सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी ओमेगा एंड ए इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका होगा ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, सेम। ओके, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ओमेगा एंड ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, यस अभिराम, राइट, विल सी दैट एज वेल। विच इज क्लियर? याद कैसे रखना है पता चल रहा है स्टूडेंट्स? यू कैन इंक्लूड दिस इन योर फॉर्मूला बुक ऑल्सो। ओके, इन अ सेम वे इफ आई रिमेंबर लाइक दिस, अब अगर मैं आपको एक्स क्यूब प्लस वन पूछ रहा हूं, तो प्लस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वन। ओके, अब आपको माइनस वन का क्यूब रूट निकालना है, वो प्लस वन का क्यूब रूट था, समझना। इसे मैं कैसे निकाल सकता हूं? एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन, माइनस इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू वन, थोड़ा समझना, माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल टू वन, क्या ये लिख सकता हूँ? सो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेंगी उसको जस्ट आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्स क्यूब प्लस वन के रूट्स मिल जाएंगे। सो दैट दोस विल बी योर माइनस वन माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी योर रूट्स, राइट? एक्स क्यूब प्लस वन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड फ्रॉम दिस रूट्स यू कैन राइट इक्वेशन एज एक्स प्लस वन और इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो कैन आई से एक्स प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन? इजंट इट? Now same I can write for a cube plus b cube as well. So a cube plus b cube is equal to a plus b a square minus a b plus b square. So it is equal to a plus b, right? Similarly I can write here a plus b omega a plus b omega square. Ab separately aisa bhi yaad rakh sakte ho, if it is a plus b omega and a plus b omega square, सिंप्लीफाई करके आपका ये वाला वर्जन आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, और अगर दोनों जगह प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, सॉरी दोनों जगह बीच में माइनस है तो प्लस आएगा रिवर्स, और प्लस है तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पे आपका प्लस है सो हियर यू विल गेट माइनस, ओके, यहाँ पे दोनों जगह आपका माइनस है सो हियर यू विल गेट प्लस। आई होप यू आर गेटिंग, राइट, ये सब याद रखने की टेक्निक्स है। ओके, तो इस तरीके से आपको इजीली याद रह जाएगा। सो यू मस्ट इंक्लूड दिस फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला बुक, क्योंकि ये काम आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, यस,
ओके और अभिराम ने और दो फार्मूला भी भेजी है इसके साथ जो अरिहंत में, वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर ये सारी फार्मूला अपने ऐसे कट करके हमारी फार्मूला बुक नोट्स में डाल देंगे। ओके ताकि वो फार्मूला बुक वाली नोट्स एक अच्छे से रेडी हो जाए। ओके सो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें एग्जैक्टली ये वन, इसमें दो फार्मूला एक साथ आप याद रख रहे हो, पता चल रहा है ना? आप जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूला याद रख रहे हो, तो उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी ये याद रख रहे हो, साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी याद रख रहे हो। तो दो फॉर्मूला अलग से आप इस तरीके साथ में याद रख सकते हो, अलग से भी लिखो ताकि आपको आइडिया आए। ओके चलो नेक्स्ट। सो इफ आई चेक अबाउट नेक्स्ट फॉर्मूला, सी वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। So this can be written as a plus b omega plus c omega square and a plus b omega square plus c omega. Okay, a plus b omega plus c omega square and a plus b omega square plus c omega. अब इसमें तो आपको सिंप्लीफाई करके ही देखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, तो इसी के रिलेटेड एक और फॉर्मूला है। आपको याद हो ये वाली टर्म आपने कहाँ पे देखी थी? इन फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी और नॉट, जिसमें आपने देखा था ए प्लस बी प्लस सी इंटू अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ओके सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। Now a square plus b square plus a square minus ab minus bc minus ac is a plus b omega plus c omega square and next one is a plus b omega square plus c omega. Okay. So ultimately अगर आप ये याद रख रहे हो तो वो उसमें ही काम आ जाएगा। Is it clear? Please give me some response. Okay. तो ये भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो from RHS to LHS. ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। सो लेट मी इंक्लूड ऑल दिस फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला बुक। है यहाँ का प्रूफ? ओके यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक्जेक्टली प्रूफ, बट प्रूफ से ये सारी चीजें आपको काम आ रही है यहाँ पे। एक्स्ट्रा फॉर्मूला सब यहाँ पे दिए ना मैंने आपको। ओके न्यू फॉर्मूला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हमारा फोर्थ क्वेश्चन था प्रूफ वाला, अभी हम जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। नहीं सॉरी, क्वेश्चन फिफ्थ था प्रूफ वाला, क्वेश्चन सिक्स। इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वन इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब मिनिमम आपको कितने स्मॉल एन मिल सकते हैं, सच दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर एन इक्वल टू वन प्लस ओमेगा टू द पावर फोर होल टू द पावर एन होल्स गुड, मतलब वो आपका ट्रू हो। लेट अस फाइंड दैट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस ओमेगा टू द पावर फोर होल टू द पावर एन। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो और नॉट? ओके सो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। सो माइनस ओमेगा टू द पावर एन इज इक्वल टू ना वन प्लस ओमेगा टू द पावर फोर। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ओमेगा टू द पावर फोर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा ओनली वन इंटू ओमेगा।
फिर वन प्लस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस ओमेगा को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, इजंट इट? टेल मी. सो देयरफॉर इट इज माइनस वन टू द पावर एन ओमेगा टू द पावर एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन ओमेगा टू द पावर टू एन. कैन आई राइट लाइक दिस? आया ना? ओके. चलो अब यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो n तो जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लूंगा वही राइट हैंड साइड पे लेना है, सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ओके, ओमेगा टू द पावर n से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, सो ओमेगा टू द पावर 2n डिवाइड बाय ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ओमेगा टू द पावर 2n माइनस n ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ बोलो अब लीस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल n फॉर विच ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल टू 1. तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू ऑफ n शुड बी 3, 6, 9, 12, 15, राइट? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 और नॉट? यस, सो लीस्ट वैल्यू शुड बी 3. हाँ, नेचुरल नंबर, यस, वी कैन टेक 0 एज वेल. ओके, बट यहाँ पे शायद आपको नेचुरल नंबर दिया. लीस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n. नहीं, नेचुरल, हाँ यस, ये रहा. Okay, small n belongs to capital N. Otherwise, it should be 0. Yes, omega to the power 0. Is it clear? Okay, great. Now, so let me include your questions of level 2. Okay, till then, patapat likh do ise. So, level, nahi, abhi level 1 mein hai, baaki ke question. Question 6 tak hamara hua. Now, question 7 to 11. ओके, तो बट 7 to 10 एक साथ ले लेते हैं पहले. ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7. Let me resume this square now. So question number 7, we have to prove that 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n is equal to, right, I think ek cheez aapki proof nahi hui hai yahan pe, print nahi hui hai, 3n0. 3 if n is multiple of 3 and if n is not a multiple of 3 where small n belongs to capital N. Okay, chalo, agar n 3 ka multiple hai, can I write small n equal to 3k where k is also a natural number, and if n is not multiple of 3 then ab aapke paas do option hai, either your remainder should be 1 or remainder should be 2 where k belongs to n. You learn this in class 9th, isn't it? PQ plus R, or 10th I can say, A equal to BQ plus R, Euclid's division lemma. This is your reminder, it will be less from your divisor. Okay, so you are having two options here, 3K plus 1, 3K plus 2, tell me. So, in all cases, ke liye check karein. Okay, so for case 1, okay, I hope you all are getting. So your case 1 is if n is equal to 3k. If I'm taking n is equal to 3k, so 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n is equal to 1 plus omega to the power 3k plus omega to the power 2 times 3k, which is 6k. 1 plus omega cube is 1 or not? फिर 1 के कोई भी का पावर कर दो 1 ही आएगा, प्लस दिस इज योर ओमेगा क्यूब 1. ओके, और ओमेगा क्यूब को अलग कर रहे हो तो 1 टू द पावर 2 की 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर अगेन कोई भी पावर के दो इट विल बी 1 ओनली. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 3. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन?
Okay, because 1 to the power k will give you 1 only, isn't it? So 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n, that is 1 plus omega to the power 3k plus omega to the power 6k. After simplification, you can get your answer as 3. Okay, case 2. N is equal to 3k plus 1. So 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n is equal to 1 plus omega to the power 3k plus 1 plus omega to the power 2 times 3k plus 1. 1 plus omega to the power 3k. Omega cube is 1 or not? Tell me. So omega to the power 3k 1 into omega plus omega to the power 6k is 1. इंटू ओमेगा स्क्वायर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो लिखा है इसमें किसी को डाउट है? ये कैसे लिखा और ये कैसे लिखा? एवरी वन टेल मी. अगर डाउट है तो मैं एक स्टेप्स और इंक्लूड कर सकता हूँ. ओके, शैल आई इंक्लूड वन मोर स्टेप? डोंट हेजिटेट टू आस्क. ओके, लेट मी इंक्लूड दैट. सो इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3k इंटू ओमेगा. यहाँ आपका हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 2 टाइम्स 3k इंटू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये आपका 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1 प्लस ना ओमेगा टू द पावर 3k इज 1, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा ओनली, एंड ओमेगा टू द पावर 2 टाइम्स 3k इट इज ऑल्सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. एंड इज इट 0 और नॉट? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. सिमिलरली कैन यू ट्राई केस 3 बाय योर ओन स्टूडेंट्स? केस 3 में जस्ट आपको ओमेगा स्क्वायर पहले मिल जाएगा और ओमेगा बाद में मिलेगा. एन इक्वल टू 3k प्लस 2. सो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर एन प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 2 प्लस ओमेगा टू द पावर 2 टाइम्स 3k प्लस 2 is equal to 1 plus omega to the power 3k into omega square plus omega to the power 2 times 3k into omega to the power 4, 2 to the 4. Omega to the power 3k is 1, 1 into omega square is omega square. Omega to the power 3k is also 1, and omega to the power 4, we can write omega to the power 4 as omega, because omega cube into omega, which is equal to omega, because omega cube is 1. It is equal to 1 plus omega square plus omega, which is equal to 0. So from all these cases, can I write that your given statement is true? 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n. Its answer is either 3 or 0. When it is 3, when your n is multiple of 3. And when it is 0, in all the other cases, that is when your n is not multiple of 3. Okay. Everyone clear with this? Shall we move towards question number 8? Now, prove that the sum of n roots of nth root of unity is 0. That means z1 plus z2 plus z3 up to zn is equal to 0. Wo aapko hame proof karna hai. Right? No, 1 plus z plus z square like that. यस, ये आप दो मेथड से कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे इक्वेशन है एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1, और आई कैन से एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0. तो आपको प्रूव करना है कि इसके सारे के सारे रूट्स का समेशन 0 है. ओके, हाउ यू कैन प्रूव दिस? हमने वो सारे रूट्स कैसे लिखे थे? ओके, आपको याद हो अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वो है आपके 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ओके, अगर आप इसके सारे रूट्स लिखोगे फ्रॉम z1 z2 अप टू zn, तो
मैंने दिखाया था जेड वन हमारा ऑलवेज वन होगा, जेड टू इज योर जेड, जेड थ्री जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ऐसा करके हम कहां तक लिखेंगे स्टूडेंट्स? जेड टू द पावर एन माइनस वन और नॉट? ओके यस यस। तो चलो अब एक मुझे सजेशन मिला है चैट बॉक्स में कि वी कैन यूज सम ऑफ जीपी ओवर हियर, यस अभिराम, तो वो करते हैं। अभी हमने एपी और जीपी नहीं पढ़ा है, व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे, विच इज योर एम टेन। अभी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। सो हियर वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीपी का आपका सम होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। सो योर ए इज वन, आर इज जेड, आर इज कॉमन रेशियो, n is number of terms, this is zeroth term and this is n minus 1th term, so total n terms ho jayengi kyunki n roots hain, z to the power n minus 1 divided by z minus 1, okay, but yahan pe aake aap atak jaoge. ab isse aage kya kar sakte ho, right? yeah, aap dekho, yes. Okay, so now if z is your root of this equation, what is your equation? X to the power n equal to 1. So z must satisfy this equation, z to the power n equal to 1 implies z to the power n minus 1 will give you 0 or not. This will become 0 or not. Tell me. तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपकी एक मेथड है जीपी जो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से गई होगी। टेल मी, पता चला इसमें आया ना? एक्चुअली दिस इज द इजीएस्ट मेथड, ओके, बट जीपी के लिए आप ये याद रखो, राइट? एपी आपको पता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है, क्लास टेंथ में पढ़े हो, राइट? दैट योर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी लाइक दैट, ओके। उसके लिए आप पढ़े थे कि व्हाट शुड बी इट्स nth टर्म एंड व्हाट शुड बी सम ऑफ n टर्म्स। अब मैं आपको जीपी एक बार वापस समझा रहा हूँ, एक बार वापस मतलब पहली बार ही पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। तो जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन है कि जिसमें आपके रेशियो सेम रहते हैं, कॉमन रेशियो सेम रहता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, यहाँ पे आपका डिफरेंस सेम रहता है। तो ये ऐसे लिखी जाती है ए ए इंटू आर ए इंटू आर स्क्वायर लाइक दैट, ओके। सो इसमें आपके होते हैं n टर्म और सम ऑफ n टर्म्स। जैसे एपी के लिए आप पढ़े थे n टर्म की फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कॉमन डिफरेंस को n माइनस वन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दू। यहाँ आपका हो जाता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, कॉमन रेशियो की n माइनस वन पावर ले लो और उसको a से मल्टीप्लाई कर दो। एस एन वहां पे आपने याद रखा था n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी और n बाई टू ए प्लस एल। जीपी में ये आपका होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ओके, जो मैंने यहाँ पे यूज किया ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। सो यू कैन रिमेम्बर दिस एज ऑफ नाउ, आई थिंक इतना इनफ है, राइट? मीन्स एक्सप्लेनेशन, बाकी और डिटेल में देखेंगे। डिटेल में ये फॉर्मूला हम दो पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, व्हेनेवर आर इज लेस देन वन आर इज ग्रेटर देन वन, बट अभी के लिए इतना इनफ है कि एपी की मदद से आपको मैंने ये थोड़ा जीपी का ट्रेलर, ओके, और टीजर, आई कैन से ट्रेलर भी नहीं, आपका टीजर है, ओके। उसके बाद हम पूरी मूवी देखेंगे चैप्टर 10 में, व्हाट इज योर जीपी, पूरा एनालिसिस करेंगे उसका। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली आपको आप फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो एंड आई कैन शो यू वन मोर मेथड एज वेल, ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ओके। नेक्स्ट, अगर जैसा कि आपको याद हो स्टूडेंट्स, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ओके, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो दिस इज योर फर्स्ट वे। नाउ आई एम शोइंग यू अनदर मेथड। इफ यू आर हैविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स हियर? यहाँ पे आपको दो रूट्स मिलेंगे, राइट? सम ऑफ रूट्स को हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा, उन्हीं दो रूट्स को मैं x1 प्लस x2 भी बोल सकता हूँ,
अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलता था, माइनस वी बाई ए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। इन अ सेम वे अगर आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो उसके सम ऑफ रूट्स जिसको हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट वॉज अगर मैं उसे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बोलूँ, सो दिस इज ऑल्सो माइनस बी बाई ए। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेर माइनस वेर बी इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। राइट, मतलब वहां पे वो एक्स से एक्स स्क्वायर है, जो भी आपकी पॉलिनोमियल उससे एक कम पावर वाला कोएफिशिएंट। ओके, इज इट क्लियर? इन अ सेम वे अगर आपके पास इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ, अगर आपके पास nth डिग्री पॉलिनोमियल है, ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और इस तरीके से आपकी पॉलिनोमियल चलती जा रही है। तो जैसे यहाँ पे रूट्स थे अल्फा बीटा प्लस गामा, उसको आप ग्रीक लेटर में लिखो तो अल्फा बीटा गामा चलता ही जाएगा। ओके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और अगर मैं एक्स वन एक्स टू एक्स टू के फॉर्म में लिखूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन, तो सम ऑफ दिस ऑल एन रूट्स इज माइनस बी बाई ए और नॉट हियर ऑल्सो? टेल मी फर्स्ट दिस, कैन आई राइट लाइक दिस? क्या माइनस बी बाई ए लिख सकता हूँ? स्टूडेंट्स, जहां पे बी आपका क्या हो जाएगा, बी इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, बी इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो हियर आवर इक्वेशन इज एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, आया ना? ओके, सो कैन यू आइडेंटिफाई ए हियर? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन विच इज वन, बी इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, b is your coefficient of x to the power n minus 1. What is your coefficient of x to the power n minus 1 in this equation? Right, in this equation, do you have any term which have variable x to the power n minus 1? No. Its coefficient is 0. So if you add right, all the roots x1 plus x2 up to xn, so all the roots, sum of all roots is minus b by a, which is 0 by 1, answer is 0. So this is another method. Okay. Bro, kaun si method easy hai? Definitely first method easy hai, but second method mein aapko ye sikhne ko mil raha hai extra. Okay. Is it clear? Both methods are easy, right? Okay. Questions ko second method easy lag rahi hai. Okay. So jo bhi aapko easy lage, aap kar sakte ho. Just samajh mein aana chahiye, right? Both these methods are clear to you. Next question. Prove that the sum of n roots of O ho gaya. Question number 9. If the fourth roots of unity are z1, z2, z3, z4, then find the value of z1 square plus z2 square plus z3 square plus z4 square. Okay. So, pehle hum agar z1, z2, z3, z4 ki value find kar denge, to hamara kaam ho jayega. क्वेश्चन नंबर 9, नो क्लास इज स्टिल 1 ना, राइट, 11:30 टू 1, फिर 1:30 से हमारी दूसरी क्लास होती है, राइट, क्लास 9th की आज। क्वेश्चन नंबर 9, सो वेयर आर वी नाउ, हम वो देख रहे थे कि आपके z1 z2 z3 z4 are fourth roots of unity. If these are your fourth roots of unity, we need to find value of, okay, chalo aapko kaun si value find karni hai? z1 square plus z2 square plus z3 square plus z4 square. Now, how we can do this? Tell me, students. Well, z1, z2, z3, z4 आप find कर सकते हो? Can you find fourth root of unity? Right, अभी जैसे सीखा मैंने x root of unity कैसे find कर सकते हैं? Yes, always. Right, वही आपको मिलेगा. So, पहले एक equation ले लेते हैं, x to the power 4 is equal to 1. Right.
फिर हम वन को क्या लिखते थे, ई टू द पावर आई टू पाई के, एट रूट ऑफ यूनिटी ऑलरेडी दिखाया आया ना, सो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर आई टू पाई के बाई फोर, वेर के इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, इक्वल टू जीरो वन टू थ्री. ओके, सो इफ के इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज, सो जेड वन, नहीं तो पहले एक्स की वैल्यू रख देते हैं, फिर वहां से जेड वन जेड टू जेड थ्री कर देंगे, ई टू द पावर आई इंटू जीरो विच इज वन, फिर ई टू द पावर आई टू पाई बाई फोर, ई टू द पावर आई, इफ आई पुट वैल्यू ऑफ के एस टू, टू टू जा फोर पाई बाई फोर, एंड ई टू द पावर आई थ्री टू जा सिक्स पाई बाई फोर, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जीरो वन, दिस इज योर पाई बाई टू, e टू द पावर आई पाई बाई टू, e टू द पावर आई इंटू पाई, एंड e टू द पावर आई थ्री पाई बाई टू. चलो इसकी वैल्यू क्या कोई मुझे डायरेक्टली बता सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर आई पाई बाई टू? राइट, अगर आप उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एट पाई बाई टू, एट पाई बाई टू वन यूनिट, दिस इज योर आई और नॉट? ओके, दिस इज योर आई. ओके, सो इन द सेम वे ई टू द पावर आई पाई, तो ई टू द पावर आई पाई आपका क्या हो जाएगा? राइट, दिस वन यूनिट माइनस वन और नॉट, एंड ई टू द पावर आई थ्री पाई बाई टू माइनस आई, तो ये आपको क्या मिलेगा? राइट, ये शुड बी अ रेगुलर पॉलीगॉन, दिस इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. ओके, रॉम्बस, वन आई माइनस आई माइनस वन, इज इट क्लियर? ओके, सो इफ आई राइट दिस एज जेड वन जेड टू Z3, Z4, so Z1 is equal to 1, Z2 is equal to I, Z3 equal to minus 1, Z4 equal to minus I. Everyone got this? Z1, Z2, Z3, Z4. बस अब आपको जो फाइंड करने वो आप फाइंड कर सकते हो. Now Z1 square plus Z2 square प्लस जेड थ्री स्क्वायर प्लस जेड फोर स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस आई स्क्वायर. वन स्क्वायर इज वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर इज प्लस वन, एंड आई स्क्वायर इज अगेन माइनस वन, एंड माइनस का स्क्वायर तो आपका प्लस ही हो जाएगा. सो वन माइनस वन, वन माइनस वन विल गेट कैंसल आउट, विल गेट योर आंसर इज जीरो. ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन, यू गॉट दिस? क्वेश्चन नंबर 10, if 1 z z square z cube up to z to the power n minus 1 are the nth roots of unity, find the value of 9 minus z, 9 minus z square. Okay, up to 9 minus z to the power n minus 1. Chalo samjho. ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आप एक फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हो. राइट, 9 माइनस z से 9 माइनस z टू द पावर n माइनस 1. राइट,
They are telling you that Z1, Z2, Zn are nth roots of unity. And we need to find value of 9 minus z, 9 minus z square, up to 9 minus z to the power n minus 1. Okay, चलो एक चीज समझो यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स. अगर यही दिया ना आपको क्वेश्चन में, अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसा मैंने आपको वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बारे में बताया जब मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा था, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं? एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो. सो कैन आई से एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन पॉलिनोमियल? यस और नो? So can I write x cube minus 1 as x minus 1, x minus omega, x minus omega square? Similarly, which is already मैंने आपको समझाई थी. Similarly, if z1, z2, up to, नहीं तो फिर अगर मैं उसे z to the power के फॉर्म में ही पहले लिखूं, समझना. Okay, क्योंकि z1 आपको पता है 1 है, z2 आपको पता है z square है, z3, z cube है. And Zn z to the power n minus 1 है. So if 1 z square z cube up to z to the power n minus 1 are roots of equation, because these are your nth roots of unity. Equation is x to the power n minus 1 equal to 0. Okay. Now roots of equation x to the power n minus 1 equal to 0. Can I say x minus 1, x minus z square, x minus z cube, okay, up to x minus z to the power n minus 1 are factors of x to the power n minus 1? Tell me. These are your factors of x to the power n minus 1 or not? So if these are your factors of x to the power n minus 1, can I write x to the power n minus 1 is equal to x minus 1 into x minus z square into x minus z cube up to x minus z to the power n minus 1? ओके, तो ये आप एक फॉर्मूला बुक में इंक्लूड कर सकते हो. राइट, यू कैन इंक्लूड दिस इन योर फॉर्मूला बुक. राइट, नहीं तो मैं आपको इंक्लूड करके देता ही हूँ अभी. राइट, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाँ देखो भूख लगी है मुझे तो मैं x माइनस जेड खा गया. ओके, इवन लिखने में और उधर भी आपको भी लगी होगी. जस्ट अ मिनट. ओके, सो यहाँ पे भी जेड नहीं लिखा, 1, z. So here I should include one comma z. Here I should include x minus z as well. So here it is into x minus z. Next, ये हो गया. Right, x minus 1, x minus z, x minus z square, x minus z cube, आपको x minus z to the power n minus 1. This is x to the power n minus 1. या फॉर्मूला बुक में इंक्लूड कर दें. ओके, ओके, सो कैन यू डू दिस नाउ? ओके, अगर आपको अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें एक्स की जगह क्या है, ओनली 9. Here, just you have to replace x by 9. Okay, or 9 minus z se aapka shuru ho raha hai. So just put x is equal to 9 and you will get your answer. So therefore, 9 to the power n minus 1 is equal to 9 minus 1 into 9 minus z, 9 minus z square, up to 9 minus z to the power n minus 1. Okay, 9 minus 1 is 8 and you can divide by 8 here. So you can get your answer as 9 to the power n minus 1 by 8 is equal to 9 minus z, 9 minus z square, up to 9 minus z to the power n minus 1. Is it clear, students? Please type in chat box.
Okay, everyone. Okay, so thank you, everyone. So we'll meet at our class, right? Next class, 3:30. Okay. Till then, try to solve remaining questions. या आपका कोई बाकी का होमवर्क जो बाकी है वो खत्म करो.